सीरियल दिया और बाती हम के अपकमिंग एपिसोड में संध्या और सूरज प्लान करेंगे भावो और बाबासा का दूसरा हनीमून, जिसमें वो उन्हें विदेश भेजेंगे। पर जाने से पहले भावो घर बार की सारी जिम्मेदारी संध्या को सौंप कर जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कनिका यानी मीनाक्षी बहू का इस बारे में क्या कहना है। अब संध्या घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए घर में अब ये क्या शुरू हो गया? ये एक नया तूफान शुरू हुआ है जो जेठ जी जिठाजी ने शुरू किया कि भाबो और बाबा साहब को बाहर जाना है विदेश। लेकिन ऐसे कैसे घर छोड़ जाएंगी भाबो, वो मेरे भरोसे एमिली के भरोसे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, भाबो ने रखी है शर्त कि जो है जिठानी जी पूरे घर का ना ध्यान रखेंगे। वो कैसे हो सके है, कोई चोर को थोड़ी ना पकड़ना है, हथकड़ियाँ थोड़ी लगानी है, कोई वो पेपर वर्क थोड़ी ना करना है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, चाय बनानी, उनमें तो बल्कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो मतलब गई भैंस पानी में। तो बस यही कार्यक्रम हम लोग अभी शूट कर रहे थे, अब देखो क्या होने वाला है। अगर हम ये कहें सास बहू और जिम्मेदारी, आपको लगता है कि जिम्मेदारी पर खरी उतरेंगी संध्या? वैसे जिठानी जी हैं बड़ी मतलब सख्त जान, कर तो सब लेती हैं, कभी इधर की मदद कभी उधर की मदद, लेकिन इस बार ना अलग ही ट्विस्ट है। भाबो ने मारे को थानेदार नहीं बना दिया क्या बताऊँ, अब जब मैं थानेदार नहीं बनी तो कोई चोरी चकारी थोड़ी ना हो सके, मतलब चोर के हाथ में ही चाबी हो गई है। तो अब मैं देखती हूँ कि जिठानी जी कैसे काम करती हैं, कैसे खरी उठती हैं। भैया कोई नहीं जाएगा बाहर, अब रोड वेबरॉड जाएंगे तो मैं जाऊँगी, बना कोई नहीं जाएगा। हाँ आपको तो आराम ही है, मतलब बोला कि कोई संध्या की मदद ना करे, जैसे आप तो मस्त मजे मारे। देखो 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 मज़े का तो यूँ है, मज़ा आया नहीं आया है ना, अब आएगा तो भाई सबको आएगा, और नहीं आएगा तो मैं दिला के रहूँगी। क्या कुछ होगा, मतलब संध्या कामयाब होंगी और सासू माँ आपकी जाएंगी? अरे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सास बहू और जिम्मेदारी अगर बात हो तो जिम्मेदारी तो भाबो खूब दबा कर देती हैं, तो बेचारी संध्या कैसे रहेगी, कंधे कैसे बचाएंगी अपने अपने, और ऊपर से मैंने बंदूक तानी हुई है। तो देखो मज़े वाला है, मज़ेदार होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, देखते रहिएगा।